हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं मिस्टर जी कुमार एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि मोबाइल हमारे समाज में किस हद तक हम लोगों को जकड़ लिया है, कैसे मोबाइल हम पे हावी हो चुका है। तो चलो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं टॉपिक। यदि मेरी कोई भी बात झूठ लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। दोस्तों, आज आलम यह हो चुका है कि बच्चे को यदि आप टॉफ़ी दें और मोबाइल दें तो बैंक का भाई जो है डायरेक्ट आपका मोबाइल के लिए अप्रिएट करेगा, चॉकलेट को डिसोबे कर देगा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि बच्चे पैदा होते उसे मोबाइल चाहिए। मोबाइल की आइडेंटिफिकेशन कैसे वो सीख जाता है मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन मेरी जहां तक समझ है कि पुराने ज़माने में जब माता यानी माँ जो होती थी वो प्रेग्नेंट होती थी तो भगवान कृष्ण, राम, अल्लाह, कुरान इत्यादि पढ़ते थे। लेकिन अब तो भैया सुबह उठते ही देखती है व्हाट्सअप पे, वाओ ये क्या है, लाइक कर, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, बस यही चलते रहता है। तो वो उसकी जीन में चले जाता है, वो बच्चे जो माँ वो देख रही है वो बच्चे के गर्भ में वही बात जाती है और बच्चे के नस नस में वो समा जाती है। मोबाइल के हर एक बात उसके मोबाइल में, उसके शरीर में इस तरह घुस जाता है कि बच्चे उसके आदि हो जाते हैं और बच्चे को खुद को समझ में नहीं आता कि भैया मोबाइल के प्रति मैं इतना प्यार क्यों हूँ और मुझे इतना प्यारा क्यों है। अरे आलम ऐसा हो गया है कि खाना खाने, दूध पिलाने बैठाओ, मोबाइल नहीं दिखाओगे तो भैया मोबाइल नहीं दिखाओगे तो खाना आपका बच्चा खा ले। यदि आपका बच्चा बिना मोबाइल खाए, मोबाइल देखे खाना खाता है तो प्लीज़ कमेंट करें, पर मुझे नहीं लगता है। अरे ऐसा हो गया है ना दोस्त, मैं सच बताता हूँ, एक दिन ऐसा होगा कि चिड़िया देखेगी दूर से और हमारे बच्चे मोबाइल देखते हुए पिंजरे में बंद हो जाएगा। क्या ये समाज किस ओर जा रही है। उस चिड़िया को लगता होगा, अरे वाह ये तो मजा आ गया, अब तो भैया तुम मुझे बहुत कैद करते थे, अब तो तुम्हारा ही टेक्नोलॉजी ने तुम्हें कैद कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उसको पता भी नहीं चलता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कहाँ कैद हो गया हूँ। आलम ऐसा है कि परिवार के जो 5 सदस्य एक साथ बैठते हैं ना तो वो आपस में बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ भैया यदि चैट करो, व्हाट्सअप करो, एक दूसरे को SMS करो तो एक दूसरा परिवार वाला जवाब देता है कि भैया मैं तो बगल में हूँ, फलाना फलाना ने ऐसा बोला। हाँ तो ये क्या है, एक वाईफाई जो है, एक वाईफाई हमारे परिवार को चला रहा है। मोबाइल एक टेक्नोलॉजी हमारे रिश्ते को इस तरह बना दिया है, हमें सेपरेट कर दिया, नज़दीक रहते हुए भी हम सबसे दूर हो गए हैं। आखिर क्या परिवार में मोबाइल के बिना क्या हमारी ज़िंदगी नहीं थी। अरे इतना ही नहीं, यदि आप एक स्पोर्ट के लिए, आप गेम, यदि चलो आपने ये गुण सोच लिया कि चलो मैं बाहर इंडोर के जगह आउटडोर गेम खेलता हूँ, आप दोस्तों आप यदि फुटबॉल लेके चले जाओ और खेलने शुरू कर दो, आपके बाकी साथी बोलेंगे भैया आप तो लास्ट ऑप्शन है यार, मुझे 5 पॉइंट पुराना है, मुझे पबजी खेलना है, मुझे लूडो खेलना है, मुझे और भी बहुत सारे गेम है, लेकिन खेलने नहीं आएंगे। माता पिता को तो अब लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है बच्चों का फ्यूचर बना देगा, लेकिन ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ऑनलाइन क्लास लालू राहुल गांधी की तरह मैं बोलूँगा, इस तरफ से बच्चे पढ़ते हैं, उस तरफ से गधे पैदा होते हैं। ऑनलाइन क्लास क्या होता है, अरे आज के दौर में जो क्लास फिजिकल क्लास होती है उसके मुकाबले ऑनलाइन क्लास क्या दे पाएगा। यदि बच्चों को डाउट होता है क्लियर कर पाएगा, यदि करेगा तो भविष्य की बात है, अभी उसके लिए कम से कम 20 से 25 साल और समय चाहिए। अरे इतना ही नहीं, जब एलियन भी आ जाएगा ना नीचे वो बोलेगा अरे यार हाथ तो मिला ले, मैं तेरा दोस्त हूँ भाई, मुझसे क्या गलती हुई है, अरे हाथ मिला। यहाँ के लोग बोलेगा सॉरी बिड़ू, अपन मोबाइल में बिजी है, अपनी गर्लफ्रेंड का SMS आ रहा है, सनी लोय ने ये किया है, सलमान खान ने ये किया है, फलाना ने ये किया, चिलाना ने ये किया और मोबाइल के साथ इतना बिजी, बापरे बापरे बाप, वो एलियन की तो भयंकर बेइज्जती हो जाएगी। अरे इतना क्या कहें, मुझे तो लगता है कि कुछ दिन बाद लोग कब्र में जाएगा तो कब्र में उसके बच्चे बोलेंगे वाईफाई कनेक्शन लगा दो, मेरे दादाजी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता कि कब्र क्या होती है, सब भूल जाएगा ना। मोबाइल टेक्नोलॉजी इतना हावी हो जाएगा कि सब भूल जाएगा। देखो दोस्तों, आदमी मोबाइल के बस में नहीं हो गया, अब मोबाइल जो है, मोबाइल ने आदमी को बस में कर लिया है। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, क्या कमी है मुझे तो नहीं पता, यदि आपको कोई कमी लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। और अब मशीनें किताब पढ़ते हैं, गूगल ने जो बोल दिया वो सच हो जाता है, इंसान उस गूगल को सर्च करके ही हर चीज को मान लेता है। मुझे तो लगता है एक दिन यदि किसी को झूठा गूगल पे किसी ने अपलोड कर दिया कि भैया तेरी माँ मर गई, तो आदमी सुसाइड कर लेगा कि मेरी माँ मर गई भाई, अब मैं क्या करूँगा। एक दिन ऐसा होगा कि डॉक्टर के पास दवाई मिलेगा,
ये है फेसबुक, ओ तुमको फेसबुक बीमारी है, ये लो फेसबुक का टैबलेट। ट्विटर का है तो ये लो ट्विटर का टैबलेट। ओ तुम्हें इंस्टा का प्रॉब्लम है, ये लो इंस्टा। यो यो है तो ये लो। अरे माँ कसम, क्या हो रहा है, ये समाज में क्या बदलाव हो रहा है। ये डॉक्टर भी अब देख लेना, तुम देख लेना बहुत जल्दी ये काम होगा। यदि पहले बच्चे डरते थे, अब यदि बच्चे को तुम बोल दो कि भैया अगल बगल भूत रहता है, बच्चे तो मोबाइल चलाते चलाते भूत को भगा देगा। उनको तो पता ही नहीं है भूत होता क्या है। भूत भी यदि बाहर आएगा ना गेट के, वो भी डर जाएगा, बोलेगा अरे साला ये तो नया टेक्नोलॉजी का बच्चा है, इसको तो मोबाइल का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो मेरी बेइज्जती करा देगा। और वो साइड हो जाएगा, भूत भी भाग जाएगा, है कि नहीं। क्यों कर रहे हो? अब कुछ दिन बाद भूत भी आएगा तो दूर की बात। अब कोई उल्टी किया तो उल्टी में अब क्या होगा, क्या फ्लेवर निकलेगा पता है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बोलते बोलते आदत हो जाएगा, लाइक 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 लाइक। और अभी भी आप लाइक नहीं कर रहे हो हमको, मत करो ऐसा। परिवार एक साथ रह के टूट रहा है, कोई नहीं आपको काम देगा, ना मोबाइल, ना फेसबुक, ना ट्विटर। मोबाइल पे फेसबुक पे आपको 5000 दोस्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविक जीवन में यदि दो दोस्त भी आपका अच्छा मिल गया ना दोस्तों, तो जीवन भर आपका बदल देगा। अरे इतना ही नहीं, जब दो प्रेम प्यार करने वाले जब आलिंगन करते हैं तो उनका ध्यान मोबाइल पे होता है। अरे भैया नया स्टेटस क्या है? ये एक तरह का बीमारी है दोस्तों, अपने आप को इससे बाहर निकालो। विगत 5 सालों में आपकी मस्तिष्क इतना कमज़ोर हो जाएगी कि आप कहीं के नहीं रह पाओगे। इन सब से दूर रहो, अपने बच्चों को भी दूर करो और जीवन में एक नया दौर में जाओ। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं कहूँगा, अरे इंजॉय करो वीडियो, कोई सीरियस लेने की कोई बात नहीं है। जितना इंजॉय करोगे उतना बेटर लाइफ होगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।